बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बारे में विचार कर रहा है और उन्हें हटाया भी जा सकता है और उनके स्थान पर मौजूदा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और आज उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ भी मुलाकात की है। हालांकि इन खबरों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने इस्तीफे की खबरों को एक अफवाह बताया है और कहा है कि ना तो कांग्रेस हाईकमान ने उनका कोई इस्तीफा मांगा है और ना ही उन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा देने की कोई पेशकश की है और उन्होंने इस राजनीतिक घटनाक्रम को बीजेपी का एक ड्रामा बताया है और ड्रामा करने वाले बीजेपी नेताओं को एक अच्छा कलाकार भी बताया है। कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मैं एक योद्धा हूं, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा, लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ ला उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है। निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू का कहना है कि बीजेपी ने सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस की मदद से ये पूरा षड्यंत्र रचा, लेकिन सच्चाई यह है कि आज जब क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के विधायक शिमला पहुंचे तो उन्होंने अपनी तरफ से यही कहा कि वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के साथ है, यानी जबरदस्ती नहीं, वो स्वेच्छा से कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी उनकी अगुवाई में पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। हमारे सीनियर लीडर चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हों, चाहे हमारे सीनियर लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी हों, उनकी अगुवाई में सभी एमएलए आज आपके सामने बैठे थे। देखिए, बीजेपी जो दावा कर रही है उसके बारे में बीजेपी बता पाएगी वो दावा क्या है। अगर ऐसा होता तो आज वो लोग वहां पे होते, वहां पे हाउस के अंदर मेजोरिटी कांग्रेस की थी और मेजोरिटी कांग्रेस की सारों ने देखी, मेजोरिटी के ऊपर कांग्रेस वालों ने वोट किया। आज कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुक्खू को यह सोचना होगा कि अगर उनके कुछ विधायक नाराज भी हैं तो वो राज्यसभा के चुनाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ क्यों वोट डाल रहे हैं और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या इसके पीछे अंतरात्मा की सोच हो सकती है? क्या इसके पीछे खरीद फरोख्त हो सकती है? क्या इसके पीछे डर हो सकता है? या फिर इसके पीछे कांग्रेस पार्टी के ही अंदर होने वाला असंतोष हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि यह कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये कांग्रेस के अपने अंदरूनी कारणों से हो रहा है। और आपने वो लाइन तो सुनी ही होगी कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इन विधायकों ने अगर बेवफाई की भी है तो इस बेवफाई का कारण कांग्रेस पार्टी को बीजेपी में नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी में ढूंढना चाहिए। और ये बात आप आज की एक और घटना से समझ सकते हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र और सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी जिस सरकार में वो शामिल थे वहां उस सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस दौरान वो काफी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकार ने उनके पिता वीरभद्र सिंह के नाम पर उनका अपमान किया है और कांग्रेस की अपनी जो सरकार बनी है, जो सुक्खू सरकार है, वो असल में वीरभद्र सिंह के नाम पर बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके पिता की प्रतिमा लगवाने के लिए भी आज तक जमीन नहीं दी और इस अपमान को वो कभी भूलेंगे नहीं और इसीलिए आज वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसको उसके लिए उसको उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज वॉट
रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी, बारी बारी बोलने के बावजूद जो चीज ये नहीं कर सके, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूं कि इस तरीके की चीज, किस चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, मैं नहीं जानता हूं। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीजें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, अगर विक्रमादित्य सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में ये सारी बातें कह रहे हैं तो इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र तो होगा ऐसा लगता नहीं है। वो तो खुद अपनी शिकायतें बता रहे हैं सुक्खू की सरकार से। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के साथ, यानी प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह की माताजी हैं, उनकी मां है, और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, इन दोनों के साथ अब से कुछ देर पहले एक लंबी बैठक कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षकों ने की है। इसलिए अगर विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, और इसके पीछे कोई बड़ी डील भी हो सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक वहां पर अभी गए हैं, डीके शिवकुमार गए हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए हैं, ये दोनों ही शिमला में हैं और ये डैमेज कंट्रोल के लिए गए हैं और ये देख रहे हैं कि जो आग वहां पर लगी हुई है वो कैसे उसको बुझाया जा सकता है। और इन दोनों पर्यवेक्षकों ने अभी वीरभद्र सिंह के परिवार से बात की है, यानी उनकी पत्नी और उनके पुत्र से बात की है, और हो सकता है कि उनकी जो भी शिकायतें हों, हम ये नहीं कह सकते कि कोई डील ही होगी, हो सकता है जो उनकी शिकायतें होंगी उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी, और हो सकता है उन्हें कुछ नए आश्वासन दिए जाएं, उन्हें यह बताया जाए कि भाई अभी तक जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे से आपकी बात और ज्यादा मानी जाएंगी, आपको और ज्यादा शक्तियां दी जाएंगी और आपका अपमान बिल्कुल नहीं किया जाएगा, हो सकता है। और पूरी कोशिश हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह जो है वो किसी भी तरीके से अपना इस्तीफा वापस ले लें, क्योंकि इस इस्तीफे की वजह से कांग्रेस की बड़ी बदनामी हो रही है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गांधी परिवार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का अयोध्या में राम मंदिर में बहिष्कार किया था, तब ऐसे में भी विक्रमादित्य सिंह 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और वो ऐसे में शामिल हुए थे जब कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता वहां पर नहीं गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि विचारधारा में जो टकराव है वो पहले से ही है। कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नहीं जाना चाहता राम मंदिर, गांधी परिवार राम मंदिर नहीं गया बावजूद इसके कि उन्हें बुलाया गया था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें भी बुलाया गया था वो भी नहीं गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री विक्रमादित्य सिंह वो जाते हैं, खुलेआम जाते हैं और अपनी तस्वीरें डालते हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है कि विक्रमादित्य सिंह वहां पर गए हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ विचारधारा में क्लैश तो पहले से ही चल रहा था। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उनमें तीन चीजें हो सकती हैं। पहला, पार्टी विधायकों की बगावत से बचने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद से हटा सकता है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर कई विधायक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सुक्खू को हटा दीजिए, वो सुक्खू से नाराज हैं और सुक्खू के खिलाफ एक बगावत भी हो सकती है। दूसरा यह हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री के पद से अभी ना हटाकर पार्टी के विधायकों से बात करके उन्हें फिलहाल थोड़े दिनों के लिए मनाने की कोशिश करे और जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसलिए आज कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार ने एक एक करके सभी विधायकों से मुलाकात की है, फीडबैक लिया है, उनसे उनकी शिकायतें पूछी हैं और कारण पूछा है कि आप सुक्खू से क्यों नाराज हैं, और उनसे यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहां पर चल क्या रहा है। इसके अलावा आज क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को एक नोटिस जारी हुआ है और अभी हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बड़ी बात यह है कि अगर इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो भी इससे कांग्रेस की सरकार खतरे में नहीं आएगी, और इसका कारण यह है कि इन विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये 6 विधायक दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो ये विधानसभा में बीजेपी के पक्ष में भी इसके बाद वोट नहीं डाल पाएंगे, यानी ये बेकार हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और इससे होगा ये कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में अब अपनी सरकार नहीं बना पाएगी और कांग्रेस की सरकार राज्य में ऐसे ही बनी रहेगी। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने बहुमत खो दिया है और इसीलिए आज बीजेपी के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और उनसे सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी के 15 विधायकों को विधानसभा से निलंबित करने पर काफी हंगामा हुआ और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के ये विधायक निलंबित न हुए होते तो कांग्रेस की सरकार आज ही गिर जाती। लेकिन बीजेपी के इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को निलंबित कर दिया गया और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज सुक्खू सरकार को विधानसभा से राज्य का बजट पास करवाना था विधानसभा में, और बजट तभी पास होता है जब सरकार के पास विधानसभा में जरूरी संख्या बल हो। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि उसके 15 विधायकों को निलंबित करके सुक्खू सरकार ने बिना पढ़े ही ध्वनि मत से बजट को पास करा लिया और सरकार पर जो खतरा था उसे फिलहाल के लिए उन्होंने टाल दिया है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो 25, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते हैं। उसके बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हो गया। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया और विदाउट एनी रीजन, जो रूल्स हैं उसके परिधि में कोई इस तरह का विषय आता ही नहीं है उसमें। हम सारे विषयों को लेकर के सदन के अंदर अपनी बात कहने के लिए तैयार, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सस्पेंशन किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार बचाई जा सके। आज जो लोग हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम को लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 महीने को बाद ऐसे ही सिर्फ एक वोट से गिरा दी गई थी, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। और आज हम आपको अभिषेक मनु सिंघवी का वो बयान फिर से सुनाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि धोखा देने वाले विधायक रात को उनके साथ बैठे हुए थे और 3 विधायकों ने सुबह उनके साथ नाश्ता भी किया था, यानी इन विधायकों ने उनके साथ पिछली रात को डिनर किया और उसी दिन सुबह नाश्ता भी किया। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं कि जो विधायक उनके साथ खाना खा रहे हैं, रात में चुनाव पर उनसे बातें कर रहे हैं, समर्थन का पूरा आश्वासन दे रहे हैं, वही विधायक उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दे देंगे और हर्ष महाजन को जिता देंगे। असल में बेवफाई ऐसी ही होती है जिसमें लोग ये बोलकर धोखा दे जाते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे भाई साहब, हम पर विश्वास रखिए, हम आपके आदमी हैं, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? ये कथन आपने अक्सर सुना होगा, आपके जीवन में भी बहुत सारे लोग आपको ये कहते होंगे कि मुझ पर विश्वास रखिए, हम पर विश्वास नहीं है क्या आपको, कैसी बात कर रहे हैं आप? और उसके बाद वही लोग आपको धोखा देते हैं। और इस बार देश के इतने जाने माने वकील जो कि अदालतों में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े बड़े जो लीगल युद्ध हैं, जो कानूनी युद्ध हैं, लीगल बैटल्स जो हैं, उन्हें वो जीतते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं को कानून के दायरे में वो सुरक्षित रखते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए और वो खुद इस बेवफाई का शिकार हो गए। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए। अब देखिए, भारत की राजनीति में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, क्रॉस वोटिंग शुरू से होती रही है। ये दल बदल कानून भी इसीलिए आया था, और आया राम गया राम ये भी आपने सुना होगा, ये कोई नई बात नहीं है।
पार्टियां ऐसे ही टूटती रहती हैं, विधायक सांसद ऐसे ही टूटते हैं, कांग्रेस ने भी यही करके अपनी अपनी बहुत बार सरकारें बनाई हैं और बचाई हैं, दूसरों की गिराई हैं, और बीजेपी भी यही कर रही है। ये भारत की राजनीति का एक ऐसा हिस्सा है जिसे सब ने स्वीकार कर लिया है। अब होता यह है कि जो इसका शिकार हो जाता है वो इस कहने लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और जो ये करके दिखाता है वो ये कहता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। कहते हैं कि आप केवल एक इंसान को धोखा नहीं दे सकते, और वो इंसान खुद आप होते हैं। एक ही है जिसे आप धोखा नहीं दे सकते, और वो आप खुद हैं। लेकिन इंसान फिर भी खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करता है, और फिर दूसरे ही उसे धोखा देते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी को भी ऐसा ही धोखा इस बार अपने जीवन में मिला है। हिमाचल प्रदेश के इस राजनीतिक घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण यही है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं से भरी हुई है आज जो पार्टी के अंदर खुद को अपमानित महसूस करते हैं और उनकी बात पार्टी में सुनी नहीं जा रही, और इन नेताओं की स्थिति रामायण काल के विभीषण जैसी हो गई है, जो अपमानित होने की वजह से अब अपनों के साथ नहीं है और दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में जो सबसे बड़ा फर्क आपको नजर आएगा आज ब्लैक और व्हाइट में, वो है परिवारवाद को लेकर। अनुशासन को लेकर तो आपने देख लिया कि बीजेपी और कांग्रेस में एक बहुत बड़ा फर्क तो यह है कि दोनों में अनुशासन का फर्क है, लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क है परिवारवाद का। कांग्रेस के बहुत सारे पुराने और बड़े नेता यह सोचते हैं कि अगर पार्टी पर एक ही परिवार का दशकों से 70 साल से नियंत्रण हो सकता है, और जब सारे नेता अपने अपने परिवारों के हिसाब से सोच रहे हैं तो वो अपने परिवार के लिए क्यों ना सोचे, और वो अपने परिवार के लिए राजनीति क्यों ना करें, और इसीलिए इस तरह की बगावत अक्सर होती रहती है। हिमाचल प्रदेश में भी प्रतिभा सिंह, जो कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी है, वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रतिभा सिंह उनकी पत्नी इसलिए नाराज बताई जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पति वीरभद्र सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो अब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें और फिर उनके पुत्र को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और इसलिए कई बार ऐसी बगावतें होती हैं। तो आपको याद होगा जब बीजेपी वहां पर सरकार नहीं बना पाई थी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराकर चुनाव जीत गई थी, तब प्रतिभा सिंह ने काफी कोशिश की थी कि वीरभद्र सिंह के बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उन्हें और उनके पुत्र को प्रमोट किया जाए, और उनका यह भी मानना है उनके परिवार का कि कांग्रेस जो जीती वो वीरभद्र सिंह के नाम पर जीती थी, इसलिए पहला जो हक बनता है वो वीरभद्र सिंह के परिवार का बनता है। लेकिन कांग्रेस का जो आला कमान है वो नहीं माना, और उन्होंने प्रतिभा सिंह की बजाय सुक्खू को मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए, कांग्रेस में बहुत पुराने जमाने से ही बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं, और हर राज्य में कांग्रेस में बड़े बड़े राजनीतिक परिवार मौजूद हैं, और कांग्रेस में परिवारवाद ऊपर से लेकर नीचे तक है। अब ये जो बड़े बड़े परिवार हैं राजनीति के जो कांग्रेस में है, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जब शीर्ष पर एक ही परिवार 70-75 साल से कांग्रेस को चला सकता है, जब कांग्रेस में बिल्कुल शीर्ष पर इतना परिवारवाद है, जहां पर एक के बाद एक पीढ़ी आती है और वही कांग्रेस को चलाती है, वही लगातार प्रधानमंत्री बनते हैं, वही लगातार बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, और कांग्रेस को अपने हिसाब से परिवार के हिसाब से चलाते हैं, तो फिर उनके परिवार में क्या कमी है? वो भी अपने परिवार को प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कि बिल्कुल शीर्ष पर हो रहा है। यानी वो गांधी परिवार को ही एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस तर्क का कांग्रेस के आला कमान के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर जब वो इन लोगों को ये सारी चीजें नहीं करने देते तो फिर ये बगावत होती है, और फिर ये नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर राज्य में ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए बीजेपी में क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ता से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। वो पहले पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए लगा दिया, और एक कार्यकर्ता से शुरू करके अपना करियर अब वो यहां तक पहुंचे हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और यह निश्चित है कि उनके बाद उनका बेटा बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनेगा। उनके परिवार का कोई सदस्य इसलिए अध्यक्ष नहीं बन जाएगा क्योंकि जेपी नड्डा आज बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और यही अनुशासन बीजेपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाता है, और इसीलिए कांग्रेस में इस परिवारवाद को लेकर अक्सर जो बड़े बड़े नेता हैं क्षेत्रीय दलों के, वो
कांग्रेस के आलाकमान को चुनौती दे देते हैं। अब बीजेपी में क्या होता है, बीजेपी ने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को बना दिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ऐसे थे जिन्हें तुरंत रातों रात हटाकर विधायक बना दिया, कहा कि आप राज्यों में जाइए और चुनाव लड़िए। लेकिन इनमें से किसी भी बड़े नेता ने अपने राज्य में बीजेपी के खिलाफ बगावत नहीं की, और इसका कारण यही है कि बीजेपी में अनुशासन है और वहां हर नेता कार्यकर्ता के पद से बड़े बड़े पदों तक पहुंचा है। और ये जो पद हैं ये नेताओं के नहीं है, ये पद पार्टी के पद माने जाते हैं, यानी पार्टी इन पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को बिठाती है और कार्यकर्ताओं को कभी ये गलतफहमी नहीं होती कि ये पद उनका है या उनके परिवार का है और अब उनके परिवार का व्यक्ति ही सदा के लिए इस पद पर बना रहेगा। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। तो अक्सर आपने देखा होगा परिवारवाद को लेकर यह बहस होती रहती है, लेकिन परिवारवाद की जो असली परिभाषा है वो आपको आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी कि परिवारवाद क्या होता है, बीजेपी कैसे चलती है और कांग्रेस पार्टी कैसे चलती है। और आपने इस राज्यसभा के चुनाव में भी देखा होगा कि बीजेपी में अनुशासन देखने को मिलता है और बीजेपी की जो रणनीति है उस पर बहुत मेहनत की जाती है, लगातार काम किया जाता है और धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि रातों रात अचानक दो दिन की मेहनत होती है, लगातार वर्षों की मेहनत होती है और तब इस मेहनत के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता फिर इस तरह के चुनावों में उतरते हैं। हम कांग्रेस को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्हें भी मेहनत करनी होगी, उन्हें भी अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर एक विश्वास जताना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा और वैचारिक रूप से अपने इन नेताओं को और कार्यकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो अपनी पार्टी में सुरक्षित हैं और उन्हें भी मौका दिया जाएगा और पार्टी में परिवारवाद अब नहीं है। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज इस संकट के बीच मंदिर गए और उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इसमें हम बिल्कुल उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल ठीक काम किया है। लेकिन सोचिए जब हमारे देश के आम लोग मंदिर जाते हैं और हमारे ही देश में विपक्षी नेता जब ये कहते हैं, राम मंदिर के समय में भी जब ये कह रहे थे कि जब आप लोग बीमार होंगे तो आप मंदिर जाएंगे या अस्पताल जाएंगे, राम मंदिर की जगह, मंदिरों की जगह आपको अस्पताल बनाने चाहिए, आपको स्कूल बनाने चाहिए, ऐसा विपक्ष के नेता एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों से कहते हैं। लेकिन अब आप यहां पर यह देखिए कि मैं आपको फिर से तस्वीर दिखाता हूं कि कांग्रेस के नेता, जो पार्टी ये कहती है कि मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल बनाइए, उसके नेता भी जब मुश्किल में पड़ते हैं तो वो भी मंदिरों की शरण ही लेते हैं, भगवान की शरण में ही जाते हैं। देखिए, स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रावा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तारिक्षो अरिष्टाने मेह, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा। तो सुक्खू जी जो हैं वो अब आखिर में भगवान की शरण में पहुंचे, अब भगवान उनकी सुनेंगे या नहीं, कितनी सुनेंगे, ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट माइनर्स में से एक वकील हसन के मकान को आज दिल्ली में बुलडोजर से क्यों गिरा दिया गया। आपको याद होगा सिलक्यारा टनल जो कि उत्तरकाशी में थी, जिसमें 41 जो है वर्कर्स फंस गए थे, देश में उनकी बड़ी चर्चा रही थी और कई दिनों तक वो एक राष्ट्रीय खबर बनी रही थी। उन मजदूरों को बचाने वाले जो रेट माइनर्स थे उनमें से एक वकील हसन है, जिनका मकान दिल्ली के खजूरी खास इलाके में था और यह मकान दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की सरकारी जमीन पर, यानी डीडीए की सरकारी जमीन पर बना हुआ था। इसे हिंदी में दिल्ली विकास प्राधिकरण कहते हैं, अंग्रेजी में इसे डीडीए कहते हैं, और डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से यह मकान बना था। और वकील हसन ने डीडीए और केंद्र सरकार से यह अपील की थी कि अगर सरकार उत्तरकाशी में
41 मजदूरों की जान बचाने के लिए उन्हें कोई इनाम देना चाहती है, कोई पुरस्कार देना चाहती है, तो वो पुरस्कार बस ये होना चाहिए कि सरकार डीडीए की जमीन पर बने उनके इस अवैध मकान को ना तोड़े और इसे बने रहने दे। लेकिन आज डीडीए ने एक बुलडोजर से वकील हसन के मकान को तोड़ दिया, जिसके बाद वकील हसन ने कहा कि उन्हें इस कार्रवाई की उम्मीद सरकार से नहीं थी। सर कार्रवाई बताए नहीं उन्होंने हमें, और बिना बताया और तोड़ दिया। डीडीए वालों को पहले भी पैसे दिए मैंने, और अभी उनकी पैसे की डिमांड थी। अगर मैं पैसे दे देता, नहीं हमारे पास पैसे, हमारे बच्चों के लिए पैसे नहीं रहते, हमारे ऊपर कर्जे इतना कर्जे भी नहीं हो पाता हमसे, तो उन्हें कहाँ से देता हम पैसे, तोड़ दे। ये आपने मकान कब खरीदा था? 2013 में, 1987 से रजिस्ट्री है। अच्छा, 1987 से इसकी रजिस्ट्री है, उसके बावजूद बार बार आपके मकान को टारगेट, इससे पहले भी डीडी की कार्रवाई जी जी टारगेट किया, इससे पहले भी, और पैसों की वजह से किया। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, और जो डीडीओ वाले हैं ये पहले भी नजर रखते थे भाई, माना आप डीडीओ की जमीन आपकी नजरों में, ये 87 से बनी हुई है इसकी रजिस्ट्री, इन्होंने अभी 15 साल पहले लिया भी था, इसे खरीदा है और आज तोड़ दिया गया। भाई आप तोड़ रहे हो, नोटिस तो दो, कोई पेपर दो कोर्ट का, बिन पेपर के ही तोड़ देते हैं डीडीओ वाले। और हम मांगते हैं तो सीधा बोलते हैं भाई हम नोटिस वोटिस नहीं देते, हम तो ऐसे ही तोड़ते हैं सीधा। भी आए थे, लड़की को मारा पुलिस वालों ने, लड़के को मारा, लड़के को भी मारा, हस्बैंड को भी, जो मुन्ना कुरैशी साथ में था टर्नल में, टीम लीडर उनका, उसे भी, सारों को उन्होंने ले जाकर थाने में बंद कर दिया। 41 मजदूरों की जान बचाना कितनी बड़ी बात है, एक इंसान की जान बचाता है ना, उसके लिए सरकार पता नहीं क्या से क्या करती है। और मेरे हस्बैंड ने तो 41 मजदूरों की जान बचाई थी, उन्होंने मेरा घर भी छीन लिया मुझसे। सरकार तो जहाँ मकान देती है, उन्होंने तो मेरा भी, मेरा घर जो टूटा फूटा था, मैं तो उसी में रह रही थी, जिस तरह से भी रह थी, मेरे से वो भी छीन लिया। डीडीए एक ऑटोनोमस यानी स्वशासी संस्था है जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है, और डीडीए का कहना है कि जिस इलाके में उसकी जमीन पर वकील हसन और बाकी के तमाम लोगों के मकान बने हुए थे, वो जमीन एक डेवलपमेंट लैंड का हिस्सा थी और इसे खाली कराना आवश्यक था। लेकिन हमारा मानना है कि अगर डीडीए को और सरकार को ऐसा करना भी था तो वो वकील हसन को कहीं और जमीन दे सकती थी, कम से कम वकील हसन का जो केस है उसे एक अलग तरीके से सुना जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अभी कुछ लोग वकील हसन का धर्म देखकर इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक खास धर्म है, वो अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनके साथ नाइंसाफी हो गई, ऐसी बात कर रहे हैं। जबकि हमारा मानना यह है कि इस मामले में धर्म को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि वकील हसन ने उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हमारे 41 मजदूरों की जान बचाई थी, लेकिन आज वो खुद भी बेघर हो गए हैं। और इस समय वकील हसन खुद दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और अब वो आपको खुद इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। वकील हसन साहब, मुझे याद है जिस दिन सिलक्यारा टनल से सारे रेट माइनर्स ने हमारे बाकी के जो वर्कर्स थे, फंसे हुए थे, उन्हें बाहर निकाला था, पूरा देश आपको बधाइयां दे रहा था, पूरे देश पर आप एक हीरो की तरह, आप टेलीविजन चैनल्स पर आप सब लोग थे, और लोगों को, देश को आपके ऊपर फक्र था। लेकिन आज कुछ ही महीनों के बाद मैं आपसे किसी दूसरे संदर्भ में बात कर रहा हूं, अब आप बताइए कि आपके साथ आज क्या हुआ। सर मैं और मेरी बीवी घर से बाहर गए हुए थे, हमारे जो ताले हैं उनके यहाँ पे कोई, उनके यहाँ फंक्शन था, तो वहां गए हुए थे, हमारे बच्चे घर में अकेले थे, पीछे से डीडीए वाले आए और उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना उन्होंने सुना, और मेरे जो घर का दरवाजा है उसे हथौड़े से प्रहार करके उसे तोड़ना शुरू कर दिया। सर मेरे बच्चे घर थे, घर पे ही थे सर, छोटे छोटे थे सर, उन्होंने बहुत उनके साथ जद्दोजहद की लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने ये बोला क्यों सर हमारे पापा 41 लोगों को जान बचा के आए, थोड़ा उनका वेट कर लीजिए, थोड़ा उनकी तो वो कर लीजिए, लेकिन किसी ने हमारे नहीं सुनी। और मेरा जो घर, सर हम यहाँ बैठे हुए सर घर के बाहर, ये देखिए घर के बाहर मेरा, ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए सर, और इन लोगों ने मुझे बेघर से बेघर कर दिया सर जी। बताइए सर मैं कहाँ जाऊँगा, ये देखिए सर सब लोग बैठ गए, इधर रोड है सर, इधर रोड है, और इधर मेरा प्लॉट था जो इन लोगों ने तोड़ दिया सर, क्या सर मुझे इस चीज का ये सिला मिलेगा।
कि मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं उस सुरंग में घुस गया अपने लड़कों को लेके, और 41 लोगों अपनी जान पे खेल के बचाया सर, और उन्होंने मुझे सिला दिया सर जी। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरा घर दिया जाए, वरना मैं इस तरह यहाँ अनशन पे बैठूंगा और मैं उठूंगा नहीं सर जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। वकील हसन साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सब चीजों को समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, क्या आप जानते थे कि आपका मकान डीडीए की जमीन पर है और ये अवैध है और ये गैर कानूनी है, या आपको ये बात आज ही पता चली? मैं सर आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी कॉलोनी है सर अवैध ही कहलाई जाती है, रेगुलराइज्ड है सर, लेकिन सिर्फ मुझे टारगेट किया गया है, क्योंकि आप देखेंगे सर इधर भी मकान बने हुए हैं और इधर भी मकान बने हुए हैं और ये पूरे मकान बने हुए सर, यहाँ पर सिर्फ टारगेट मुझे किया जा रहा है सर, टारगेट यू किया जा रहा है। कल डीडीए वाले ने मेरे से पैसे मांगे, मैंने पहले पैसे प्रोवाइड करा दिए थे उन लोगों को, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं हो पा रहे हैं और काफी पैसे मांग रहे हैं, तो मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो इसी चीज की वजह से उन लोगों ने मेरा मकान तोड़ा सर जी। आपके मकान के अलावा डीडीए ने वहां पर कितने और लोगों के मकान गिराए हैं? सर सिर्फ मेरा मकान सर, मेरा मकान है सर, देखिए पीछे बाउंड्री कर दी है मेरे मकान पे, ये देखिए सर बाउंड्री कर दी है इससे। अच्छा, आप जरा कैमरे पे बताइए कि आपका मकान गिरा दिया, आपके मकान के साथ जो दूसरे मकान थे वो क्या बिल्कुल सुरक्षित खड़े हुए हैं? एक बार आप हमें दिखाएंगे क्या हमारे दर्शकों को? जी हाँ बिल्कुल सुरक्षित है सर, ये देखिए आप, ये मकान देखिए आप, लाइन से मकान देखिए, इस तरफ भी देखिए और इस तरफ भी है, दो मकान टूटे पर सारे सब सेफ है सर, सब देखिए सब सेफ जी। वकील हसन साहब, बहुत सारे लोग आपके नाम पर इसलिए भी डिस्काउंट मांग रहे हैं क्योंकि आपका एक खास धर्म है, आप माइनॉरिटी से हैं, आप अल्पसंख्यक हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसमें धर्म को बीच में लाना चाहिए, क्योंकि आप एक खास धर्म से हैं इसलिए आपके साथ अलग कानून बनना चाहिए? सर ऐसा है, मैं पहले हमारे न्यूज़पेपर पे ये चला था, लेकिन मैंने उसका पूरा खंडन किया था कि वे हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब हम भाई भाई हैं और मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। लेकिन एक स्पेशली इतना काम होने के बाद भी सर क्या उम्मीद कर सकते हैं, मैं क्या करूं अपने देश के लिए कि लोग ये समझे कि हाँ मैं भी इस देश का ही हूं और मुझे अकेले को टारगेट न करके मुझे भी ऐसे जीने का हक मिले सर जैसे दुनिया जी रहे हैं सर, जैसे और लोग जी रहे हैं। मैं इस वाकई इस बात के खिलाफ हूँ कि हिंदू मुसलमान मैं नहीं मानता, क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं यहाँ पे, अभी भी हम सब मिलकर रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कारण ये देख के मैं बिल्कुल सर शॉक हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कहूँ, मेरे बच्चे रोड पे आ गए सर, मैं अब क्या करूँ सर जी। नहीं, मुझे भी बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ महीने पहले तक देखिए आप देश के हीरो थे, आप एक नायक थे, आपने 41 लोगों की जान बचाई थी और पूरा देश आपके लिए तालियां बजा रहा था। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, और उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या पुरस्कार आपको मिलना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? सर हमें पुरस्कार नहीं चाहिए, हमारा जैसा घर था वैसे ही घर दे दिया जाए, इसी को बना के दे दिया जाए, ऐसे ही दिया जाए। सर हमें ये नहीं कह रहे हमें करोड़ दीजिए 10 करोड़, हम सिर्फ मांग रहे थे सर हमारा घोषणा सर वही देती है हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमने कुछ और एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करते सर आपसे, ना हमने सरकार के बारे में हमें कोई शिकायत है, किसी से भी हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सर हमें हमें हमारा घोषणा चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए और हमें कुछ कोई ज्यादा वो नहीं है सर, हम लोग डिमांड हमें हमारे घर से भी महरूम कर दिए गए सर जी। क्या वहां पर और भी ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो आपके आसपास रहते हैं और बनाने के बजाय तोड़ दिया, ये बहुत नाइंसाफी है जी। ये बताइए इसमें आप अपनी गलती कहां मानते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक अवैध डीडीए की जमीन पर अपना मकान बनाकर वहां आप रहते रहे, ये आपकी भी अपनी एक गलती थी, ये तो आप मानेंगे कानूनी रूप से? देखिए कहा जाता है कानून अंधा होता है, कानून के आंख पर पट्टी बंधी होती है, उसमें अगर आप अदालत में भी जाएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि आपका मकान अवैध था। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी भी गलती है कि आप अवैध जमीन पर इतने दिनों तक मकान बनाकर रह रहे थे? मैं बताता हूँ सर, वो जो बोल रहे हैं मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे आजू बाजू सभी के मकान बने हुए हैं और जैसा लैंड मेरा है ऐसा पूरी कॉलोनी का सर, एक इंच जमीन भी ऐसे नहीं है कि मेरे से अलग हो सर, सबकी जमीन एज इट इज ऐसी है
बट स्पेशली टारगेट सर मुझे किया जा रहा है पैसों के लिए और कुछ नहीं सर। आप अगर यहाँ पर वैसे सर्वे करेंगे, मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट्स आए भी थे, वो मेरे टूटे फूटे घर में भी आए थे। मेरा घर ऐसी जगह है सर जहाँ इस चीज का नहीं बनता है, लेकिन मीडिया वालों ने पैसे ना मिलने की वजह से उसे भी वो बना दिया सर। क्या इससे पहले, क्या इससे पहले भी आपने डीडीए को पैसे दिए हैं? डीडीए के जो अफसर आते थे उन्हें आपने पहले पैसा दिया है? बिल्कुल दिया सर, मैं ठोक के कहूंगा अभी मैंने पहले पैसे दिए उन लोगों को अपने उसको करने के लिए। जैसे मैंने ये मकान बनाना शुरू किया तो उनने मेरे पैसे की डिमांड करी और बोला अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा मकान नहीं बनने देंगे, हम तोड़ देंगे। तो सर मैंने डर से कि पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हम जब लगाते हैं तो सर मैंने वो चीज नहीं देखी, उन लोगों को पैसे दिया, उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्होंने पैसे की डिमांड की जो मेरे से पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से मेरा मकान तोड़ा गया सर। जी वकील हसन साहब, पूरे देश ने आपकी बात सुन ली, हमने भी आपकी बात सुन ली, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी कद्र करते हैं, क्योंकि आपने हमारे देश के 41 लोगों की जान बचाई थी, बहुत बहादुरी का काम किया था, उसके लिए पूरा देश आपका ऋणी है, और इसीलिए हमने आपकी जो आवाज़ है ये सरकार तक पहुंचाई है, देश तक पहुंचाई है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारी आपके साथ सहानुभूति है कि आपको न्याय मिले और आप जो चाहते हैं उसमें कोई ना कोई रास्ता बीच का जरूर आपके लिए निकलना चाहिए, क्योंकि आपका जो केस है वो स्पेशल है, आप खास हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा। सर मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा सर, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं अपने बच्चों को लेकर सर यहीं बैठ रहा हूँ जब तक यहाँ पर मुझे आश्वस्त नहीं किया जाएगा कि मेरा घर बना के मुझे दिया जाएगा। जी हम पूरी कोशिश करेंगे वकील हसन साहब, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जल्द ही आपको न्याय जरूर मिलेगा। हम तो आपको ये बताएंगे कि डीएमके पार्टी ने तमिलनाडु में, डीएमके की सरकार भी आप जानते हैं, उन्होंने अपने एक विज्ञापन में इसरो के रॉकेट की जगह चीन का रॉकेट की तस्वीर कैसे लगा दी और क्यों लगा दी? तमिलनाडु में इसरो के एक नए लॉन्च पैड की घोषणा के बाद राज्य की डीएमके सरकार में एक मंत्री अनीता राधाकृष्णन की तरफ से आज एक विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें विज्ञापन में तस्वीर आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, दूसरी तरफ एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उनकी तस्वीर है और बीच में एक रॉकेट लगा हुआ है और उस रॉकेट पर अगर आप देखेंगे तो चीन का झंडा लगा हुआ है और जिसे देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह भारत नहीं बल्कि यह चीन का रॉकेट है। और जब इस विज्ञापन पर डीएमके से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि यह इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि इसे डीएमके सरकार के खिलाफ कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए। लेकिन आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और उन्होंने इस विज्ञापन पर आपत्ति जताई और कहा कि डीएमके ने सारी हदें पार कर दी हैं और उसने केंद्र सरकार की सफलता का श्रेय लेने के लिए, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स का खुद श्रेय लेने के लिए इसरो के रॉकेट पर चीन का स्टिकर चिपका दिया है। साथियों, डीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। आपको याद होगा 10 मार्च 2023 को जब चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति चुना था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को कोई बधाई संदेश नहीं भेजा था। आजकल आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से वो उनके जन्मदिन पर भी कोई बधाई संदेश नहीं भेजते, लेकिन केरल की लेफ्ट सरकार में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शी जिनपिंग के लिए
उनके नए कार्यकाल पर खुशी जताई और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा ये कहते हुए कि चीन वैश्विक राजनीति में प्रमुख आवाज बनकर उभर रहा है और वो शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने पर बधाई देते हैं और यहां बात सिर्फ इस एक बधाई संदेश की नहीं है। वर्ष 2021 में जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे हुए थे तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शुभकामनाएं नहीं भेजी थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ लोगों ने इस पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया था जिसमें डीएमके के वही सांसद शामिल हुए थे जिन्होंने हाल ही में उत्तर भारत के वोटर्स को गौमूत्र और गोबर तक सीमित बताया था और अब वही डीएमके ये कह रही है ये काम कर रही है और हैरानी की बात यह है कि डीएमके के नेता इस गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि चीन का झंडा इसरो के रॉकेट पर अगर लग गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई और चीन आज भी भारत का दुश्मन देश नहीं है। कम से कम भारत की सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि चीन हमारा दुश्मन देश है। आई डोंट थिंक यू नो इंडिया हैज डिक्लेयर्ड चाइना एज एन एनिमी कंट्री और एनीथिंग बिकॉज आई हैव सीन दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज इनवाइटेड द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर एंड देव गॉन टू यू नो देव कम टू महाबलीपुरम और एनीथिंग just because you do not want to accept the truth, you're finding reasons to divert the issue. That is it. कहने को तो हमारे देश में लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक ढांचा है, एक संवैधानिक ढांचा बना हुआ है जहां पर केंद्र सरकार होती है, फिर राज्य सरकारें होती हैं और राज्य सरकारों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं। लेकिन आपने देखा होगा कुछ एक चीजें ऐसी हैं जैसे रक्षा, जैसे विदेश, ऐसी नीतियों में कम देश को एक साथ एक दिशा में जाना चाहिए और दो उदाहरण मैं आपको आज देना चाहता हूं। एक उदाहरण है चीन का। चीन ने हमारे साथ क्या किया गलवान में आप जानते हैं, चीन भारत और चीन सीमा पर क्या कर रहा है आप सब जानते हैं, चीन ने बार बार हमें कैसे धोखा दिया है यह भी हम सब जानते हैं। गलवान की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध कितने खराब हो चुके हैं यह भी आप जानते हैं और हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं वो लगातार अपनी जान पर खेलकर चीन की सेना को रोके हुए हैं कि वो सीमा पार ना कर पाए ये भी आप जानते हैं। इसलिए कम से कम चीन के मामले में पूरे देश को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी, सारी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबको एक स्वर में बात करनी चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में ये हो रहा है कि केंद्र सरकार अगर चीन के साथ सख्ती से निपटने की कोशिश कर रही है तो हमारे ही देश के कुछ विरोधी दल सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने के लिए, सिर्फ मोदी का विरोध करने के लिए चीन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, चीन के राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाइयां देते हैं, चीन के राष्ट्रपति को और वहां के कम्युनिस्ट पार्टी को बधाइयां देते हैं और उनके साथ संबंध सुधार कर रखते हैं। और आज रॉकेट पर भी अगर उन्होंने चीन का झंडा लगा दिया इस पर भी वो छोटी मोटी बात कहते हैं। दूसरा उदाहरण पाकिस्तान का ले सकते हैं। पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन देश रहा है, न जाने कितने वर्षों से वो भारत को परेशान कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान पर भी हमारे तमाम पार्टियों में, राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में एक राय नहीं है। केंद्र सरकार पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देती है और विपक्ष की कई जो राज्य सरकारें हैं वो बार बार पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं। तो क्या इसी का नाम लोकतंत्र है? जो जिंदगी शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, क्योंकि बाद में तो सब अवशेष होना ही है।